तरह से कोई भी गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जितने भी कंट्री वर्ल्ड के अंदर बगैर लोगों के सहयोग के स्वास्थ्य की दिशा में पूरी तरह से सफलता मिलना असंभव है। कितने हॉस्पिटल भारत सरकार बनाएगी, कितने हॉस्पिटल्स बढ़ाएगी, जब तक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता अवेयरनेस के प्रोग्राम इस तरह के नहीं चलेंगे, अस्पताल की भीड़ भारतवर्ष की पवित्र भूमि के अंदर नहीं घट पाएगी। आज एक बहुत बड़ा ये मुद्दा बन चुका है हेल्थ विषय को लेकर के, और आज मैं निक्की डबास को धन्यवाद देता हूँ अपने संगठन की तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से। लेकिन आज जितने अवार्ड लेकर के यहाँ से लोग गए हैं दिल्ली से, मैं उनको भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इन अवार्डों की धर्म को समझें, इज्जत को समझें, क्या कहना चाहते हैं वो समझें। और हम लोगों ने अपनी बात यहाँ मंच के माध्यम से कही है, सरकार की तरफ से भी कही है, संगठन की तरफ से भी कही है, इसलिए। और आज यहाँ पे और एक दो लोग आने थे लेकिन किसी वजह से आ नहीं पाए, तो मेरे काम में मेडिकल सेल भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय सेल जिनका दायित्व रहा है, इसलिए उस नाते मैं यहाँ आया भी था। लेकिन कहीं ना कहीं एक संदेश देना चाहते थे हम लोग इस मंच के माध्यम से। और सबसे बड़ा अच्छा जो कार्य होता है, कोई भी इनकम हो, रिश्तेदारी हो, सरकार चलाना हो, राजनीति हो, ये कार्य तभी संभव हो पाएंगे जब उसका शरीर स्वस्थ हो। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो देश भी स्वस्थ नहीं होगा, ब्रेन भी स्वस्थ नहीं होगा, संगठन भी स्वस्थ नहीं होगा। जिस देश का नागरिक बीमार होता है वो देश भी बीमार हो जाता है। इसलिए आप सभी का हम लोग धन्यवाद देते हैं, आप लोग ये बात जितना दूर तक पहुँचा सकते हैं पहुँचे हैं देश के अंदर, क्योंकि आज इस बात की आवश्यकता आन पड़ी है देश के अंदर। आज भी सोने का समय, उठने का समय, झाड़ने का समय, और जो दिनचर्या संस्कार है, मैं इसी विषय पर उंगली नहीं उठाना चाहता, लेकिन संस्कार की मैं ये बात नहीं कहता, संस्कार की कमी आई है। जितने यहाँ यंग ब्लड है सभी अपने बच्चे हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं देश के, जितने यंग ब्लड है सभी बहुत अच्छे हैं। लेकिन सिर्फ मेरा इतना मात्र कहना है कि जहाँ तक संस्कार का विषय है उसमें थोड़ी सी और बढ़ोतरी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और इस बात को देश के नागरिक या जो यंग ब्लड है मेरी बात को अन्यत्र ना ले बिल्कुल भी, कहीं ना कहीं किंतु परंतु पैदा हो। सभी जो बच्चे हैं संस्कारी हैं, आज के अच्छे हैं, ठीक भोजन खाते हैं, ठीक कपड़े पहनते हैं सभी लोग। लेकिन बस थोड़ा सा इतना मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ी सी और बढ़ोतरी हो जाए, और अच्छा हो जाए तो और अच्छा देश चलेगा। और यंग ब्लड इस देश का जिस दिन जागरूक हो जाएगा उस दिन इस देश का नक्शा बदलेगा। आज भी जागरूक है, ऐसा नहीं जागरूक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा और अच्छी तरह से जागरूक हो जाए और अपना खान पीन का व्यवस्था मेंटेन कर ले, इससे अच्छी बात देश के हो ही नहीं पाएगी। और यही धर्म है अपना भारत का, भारतीय संस्कृति। योगा डे हमने मनाया है, नेचुरोपैथी का डे मनाया है, आखिर क्या संदेश देना चाहती है सरकार? वो ये संदेश देना चाहती है कि नेचुरोपैथी योगा, नेचुरल हेल्थ और जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं उनको अगर छोड़ करके चलेंगे तो हमारा स्वास्थ्य पूरी तरह से स्वस्थ रहे, ये असंभव है। ये चीज़ हम लोग कहना चाहते थे, यही संदेश आज इस मंच के माध्यम से हम लोगों ने देने का प्रयास किया है।